हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेड राइट्स सो फाइनली ट्वेंटी ऑफ जुलाई से नीट यूजी 2023 काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ये वीडियो आपको डिटेल में हेल्प करेगा अबाउट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें वीडियो पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करनी है एम सी सी डॉट एन आई सी डॉट इन फिर आप डायरेक्ट कर दिए जाएंगे टू द होम पेज ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कमिटी इस पेज पर आपको होम वाली लाइन में ही यू जी मेडिकल हैडिंग दिखाई देगी इसे आपको क्लिक करना है देन आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेटरी पेज ओपन होगा इसमें आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में शो हो रहे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है ऐसा करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा सिंस आप न्यू कैंडिडेट हैं एंड आप पहली बार एम की वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं इसलिए आपको नीचे वाला ऑप्शन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक इन्फॉर्मेटरी पेज ओपन होगा प्लीज़ रीड केयरफुली आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें जिससे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक कमिट ना हो फर्स्ट है आई हैव गोन थ्रू एंड अंडरस्टूड द कॉन्टेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रोकर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड देयर इन आई सॉल अबाइड माई रूल्स एंड एडमिशन प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द एम सी सी इसका मतलब है कि मैंने इंफॉर्मेशन ब्रोकर अच्छे से रीड कर लिया है एंड उसमें बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अच्छे से समझ लिया है एम के द्वारा सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन रूल्स को मैं फुलफिल करूँगा सेकेंड इज आई नो दैट ड्यूरिंग वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इफ एनी डिस्परेंसी इज़ फाउंड इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग कैटेगरी सब कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ एसेट्रा दैन माई अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड यदि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक फाइंड आउट होती है देन उस केस में मेरी अलॉटेड सीट कैंसिल कर दी जाएगी थर्ड पॉइंट इज आई नो दैट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इज जेन्यून एंड ऑथेंटिक इसका मतलब तो क्लियर है ही कि मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रू है एंड प्रमाणित भी है फोर्थ वन इज़ आई डिक्लेयर दैट आई विल नॉट डिसक्लोज और शेयर द पासवर्ड विद एनी बडी आई अंडरस्टैंड दैट आई एम सोलेली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग माई पासवर्ड एंड नीदर एम सी सी नॉर एन आई सी एज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस यूज़ ऑफ माई पासवर्ड मैं अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा और ये केवल और केवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पासवर्ड को सेफ रखने की अगर पासवर्ड का मिस यूज होता है दैन एम सी सी और एन आई सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे सो फिफ्थ पॉइंट इज डोंट शेयर योर पासवर्ड और ओ टी पी विथ एनी वन बाई एनी मीन्स दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल एंड टू बी यूज बाई यू ओनली इस पॉइंट में भी सिमिलर इंफॉर्मेशन दी गई है नेक्स्ट पॉइंट इज आई एम अवेयर ऑफ द फी बॉन्ड एसेक्ट्रा कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड नो दैट एम सी सी हैज़ नो रोल टू प्ले इन दैट मैं उस इंस्टीट्यूट जिसमें इंटरेस्टेड हूँ उसकी फीस एंड बॉन्ड कंडीशन को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि एम का इस सब में कोई भी रोल नहीं रहेगा सेवन्थ पॉइंट इज आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द काउंसलिंग स्कीम एंड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड विल अबाइड विद दैम इस पॉइंट में भी सिमिलर इंफॉर्मेशन दी है एथ पॉइंट इज आई हैव रीड द एफिक्यूज एंड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिकल काउंसलिंग कमिटी आई कन्फर्म दैट आई विल नॉट इनिशिएट चार्ज बैक क्लेम अगेंस्ट द फीस पेड बाय मी टू पार्टिसिपेट इन मेडिकल काउंसलिंग मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम मैंने जो फीस पे की है उसे चार्ज बैक यानी कि रिफंड करने का क्लेम नहीं करूँगा नेक्स्ट पॉइंट इज पासवर्ड के लिए है ये पॉइंट आपका पासवर्ड एट टू थर्टीन कैरेक्टर्स का होना चाहिए इसमें कम से कम एक अपर केस अल्फ़ाबेट हो एक लोअर केस अल्फ़ाबेट हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो एंड कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर शामिल होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है चेंज पासवर्ड इसके लिए आपको साइन इन करने के बाद चेंज पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा फिर वहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करने के बाद आप अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं एलेवन पॉइंट इज फॉरगेट पासवर्ड और रीसीट पासवर्ड इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होंगे फर्स्ट इज बा वेरीफिकेशन कोड बाय एस एम एस एंड सेकेंड इज बाय वेरीफिकेशन कोड बाय अ लिंक सेंड टू ई मेल आप इन दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेने के बाद अब आपको आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपके सामने अब कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा यहाँ आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है नीट यू जी रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर कैंडिडेट नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन जो आपको नीचे दिखाई दे रही है इसे एंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा यहाँ आपको अपना पासवर्ड सेट करना है एंड अगेन सिक्योरिटी पिन एंटर करना है एंड सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है अब आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पर ओ सेंड की जाएगी जो आपको यहाँ एंटर कर देनी है अगेन सिक्योरिटी पिन एंटर करना है वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है नाउ आपको अवेलेबल सर्विसेज में एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है यहाँ आपको अपना जेंडर नेशनैलिटी रिलीजन कैटेगरी पर्सन विथ डिसबिलिटी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि क्या आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस yes या नो no चूज़ करना है देन सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है इसमें क्लास ट्वेल्थ स्कूल नेम पासिंग ईयर रोल नंबर पासिंग स्टेट स्कूल एड्रेस ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी फिल करने हैं। फिर आपको इसी पेज में नीचे एक इन्फॉर्मेशन शो होगी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी एम्स इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी बताई जाएगी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए पी सी वी मार्क्स का परसेंटेज सिक्सटी परसेंट होना चाहिए एस सी एस टी और ओ बी सी का फिफ्टी परसेंट एंड परसन विद डिसबलिटी फॉर जनरल ई डब्ल्यू एस फोर्टी फाइव परसेंट एंड फॉर एस सी एस टी एंड ओ बी सी इट इज़ फोर्टी फाइव परसेंट अगेन ये एलिजिबलिटी क्राइटीरिया रहेगा अगेन आप सिव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट हैडिंग है अप्लाई फॉर शेक्शन इसमें आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं ऑप्शंस होंगे ऑल इंडिया कोट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ओपन सीट्स ऑफ एम्स बी एच यू एम यू जिपमर एंड जामिया बी एस सी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ओपन सीट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इन ऑप्शंस में से आप केयरफुली अपने ऑप्शंस चूज करें बिकॉज आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर इन ही इंस्टीट्यूट्स को शो किया जाएगा जो आप यहाँ चूज़ करते हैं फिर आपको फी डिटेल के बारे में बताया जाएगा आपको टोटल फाइव थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पे करने होंगे अगेन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नाउ आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने अभी तक फिल की है वो शो होगी जिसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है एंड डिक्लेरेशन पर टिक करके सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है फिर चॉइस फ्लिक करना रहेगा बट उसकी फैसिलिटीज़ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई से अवेलेबल होगी तो आप तभी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर पाएंगे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट किए बिना आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे इसलिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी का अमाउंट पहले से ही रेडी रखें फी पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही होगा फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको अपना कंसेंट देना होगा कि मैं फी रिफंड का क्लेम नहीं करूँगा एंड आई एग्री पर क्लिक कर देना है एंड फाइनली प्रोसीड का ऑप्शन चूज करना है ये सब हो जाने के बाद आप वेबसाइट से लॉग आउट हो जाएं एंड चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट हो गई तब अगेन लॉग इन करके फर्दर प्रोसेस पर प्रोसीड करें सो so फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको इजी लैंग्वेज में अच्छे से डिटेल्ड गाइडेंस दे पाऊँ आप फर्दर अपडेटेड रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई डी ए डब्ल्यू एन वन थ्री फोर फाइव भी ज्वाइन कर लें इससे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है देन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टेट